तुंग स्वामी की जय। भक्तांबर महामंडल विधान की जय। सभी दोनों हाथों को जोड़ते हुए चलेंगे प्रभु के चरणों में, अपने अंतरंग की भावना को रखते हुए। नीर निधि से तीरा हो बीर बने गंभीर, पूर्ण तेरी कर पालिया भव सागर कांती, अधीर हूँ मुझे धीर दो, सागन करूं सब पे चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की जय। यस सुखम त्रिसु लोकेसु व्याधि व्यसन वर्जितम अवयम क्षेमिम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते। वहां पर आचार्य कहते हैं यस सुखम त्रिसु लोकेसु, तीनों लोकों में यदि सुख को उत्पन्न करने वाले हैं, समृद्धशाली बनाने वाले हैं, और शारीरिक ही नहीं मानसिक ही नहीं आत्मिक व्याधि को भी यदि कोई दूर करने वाले हैं, तो कौन हैं? हमारे जिनेन्द्र भगवान। कैसे? जिस समय समंत्र भद्र आचार्य के ऊपर विपदा आई, जिन्हें भस्म व्याधि रोग हुआ, तो किसके प्रभाव से दूर हुआ? प्रभु की भक्ति के प्रभाव से। वहां व्यसन वर्जितम कहते हैं शरीर के रोग तो दूर होते ही होते हैं, लेकिन जिनके जीवन में बुरी आदतें भी पड़ जाती हैं, खोटी प्रवृत्ति भी यदि आ जाती है, तो कहते भगवान आपका नाम लेते ही वो व्यसन भी उसके क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते। किसके? अंजन चोर। सब तो व्यसनी था, ऐसा कोई भी व्यसन नहीं था कि जो ना करता हो, लेकिन एक बार प्रभु का नाम लिया तो क्या हो गया? व्यसनों से मुक्त हो गया। और कहते हैं वहां पर विद्युत चोर को देखो, सारे के सारे 500 चोर आए थे जम्बू स्वामी के यहाँ चोरी करने के लिए, लेकिन जैसे ही प्रभु की वाणी को सुना, जिनवाणी माता का कर्णों में श्रवण किया, तो क्या है, चोरी के भाव तो छोड़ेगी छोड़े, लेकिन तुरंत ही दिगंबरी दीक्षा धारण करके और कहां पर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ऐसी है ये जिनेन्द्र भगवान की भक्ति। एक राजसभा लगी थी, बहुत सारे विद्वान पधारे हुए थे, और उस सभा के अंदर चर्चा चलते चलते दिगंबर मुनिराज की चर्चा चली कि हमारे दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, पंचेंद्री विजेता होते हैं, सर्दी और गर्मी से जिन्हें कुछ भी लगाव नहीं उपेक्षा नहीं आत्म ध्यान में लीन होते हैं। ऐसी चर्चा होते होते एक वहीं पर श्रावक बैठा हुआ था, कहने लगा दिगंबर मुनिराज
ऐसे तो होते हैं आप कह रहे हो। तो वहां दूसरा कहता है उनका शरीर भी रत्नत्र पवित्र थे, पवित्र हो जाता है। तो वो कहने लगा कैसे पवित्र होता है, अभी जाकर के देखो जंगल में एक मुनि राज के लिए पूरा कुष्ठ रोग हो रखा है। जब ऐसा कहा अरे वहां तो बदबू भी आ रही है, ऐसे ही जैसे बोला तो तुरंत जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा समाहित थी ऐसा सुनते ही अंदर से रो पड़ा और बाहर से कहता है नहीं नहीं हमारे मुनिराज स्वर्ण की काया के समान होते गए, जैसे आचार्य श्री की काया चमकती है हीरे की तरह। नहीं नहीं दोनों में क्या होने लगा बात विवाद। लेकिन राजा कहते हैं अब दोनों बात विवाद मत करो, उसका निर्णय हम ही करेंगे वहां जाकर के। जैसे ही राजा ने कहा कल हम वहां जाएंगे, तो जिस भक्त ने मुनिराज की प्रशंसा वो घबरा गया बेचारा, अरे कल राजा भी वहां जाएंगे। जैसे ही सभा विसर्जित होती गए दौड़ा दौड़ा नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते प्रभु की भक्ति करते करते गुरुदेव के चरणों में पहुंचता है और सारी सभा की बातें मुनिराज को बताता है। मुनिराज ने कहा कि ये तो बहुत श्रद्धालु भक्त है, तो चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। फिर कहता है सच में कल राजा आएंगे सब ठीक हो जाएगा ना? तो मुनिराज कहते सब ठीक हो जाएगा। बेचारा मुनि वचनों पर विश्वास करके और चला तो गया घर, लेकिन वहां पर भी सोच रहा है कि कल राजा जाने वाले हैं और सुबह सुबह रात भर नमोकार मंत्र का चिंतन कर रहा है, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर रहा है। असहनीय उत्पन्न फुगा को विकट जलोदर पीला भार, जीने की आशा छोड़ी गो देख दशा दयनीय अपार। ऐसे व्याकुल मानव पाकर तेरी पदरज संजीवन, स्वास्थ्य लाभ कर बनता उनका काम देव सा सुंदर तन। लगा है जैसे कि सुबह राजा सारी प्रजा को लेकर के भक्ति से वहां जा रहे थे। राजा भी मुनि राज का विरोधी था, वहां जा रहा था परीक्षा के लिए। जैसे ही पहुंचा देखा अरे मुनिराज की काया स्वर्ण के समान। उस चित्र में आप देख लेना कि एक सबक तो कुष्ठ रोग, लेकिन जैसे ही उन मुनिराज ने वो और कोई मुनिराज नहीं थे बादीराज मुनिराज थे, उन्होंने जैसे ही एक ही भाव स्तोत्र की से प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ किया, वैसे ही उनके सारे शरीर का कुष्ठ रोग क्या हो गया बदल करके कामदेव जैसी काया बन गई। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का प्रभाव है। और जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में भक्ति में लीन हो जाता है उसे तो क्या है मुक्ति सुंदर विवरण कर लेती है। इसलिए हम सभी को संसार के कामों में रहते हुए भी क्या करना है प्रभु की भक्ति को छोड़ना नहीं है। प्रतिदिन क्या करना है देव दर्शन करना है, और जिन्हें बन सके तो प्रभु का अभिषेक अवश्य करेंगे तो हमारा जीवन भी अंजन चोर विद्युत चोर समंत वद्र आचार्य बादीराज मुनि के जैसे पावन बन सकता है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय।